सो गाइज, आज हम लेके आए आपके लिए एक बहुत ही अनोखा सेलिब्रेशन जो कि पश्तून वेडिंग में होता है, और वो होता है फायरिंग करके। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पर्सनली, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी पश्तून और गन का रिलेशन जो है बहुत, ऐसा बोलते शायद कि उनका पहनावा है, ऐसा कुछ बोलते, ऐसी कुछ पहेली है। तो आप बताना, परफेक्ट पहेली तो क्या है, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान था कि उनका पहनावा है गन। तो लेट्स सी ये कैसा सेलिब्रेशन होता है इनकी वेडिंग में। हेयर वी गो। अबे ये तो मशीन गन लग रही है। हाँ यार, वो इधर से गोलियां पकड़ रखी है उसने। अबे क्या कर रही है? मशीन गन है सच में ये? ना मशीन गन ही है ये। शादी में पबजी खेल रहे क्या भाई? ये पबजी वाली गन लेकर आ गई। अरे रियल गन से यार। ओ ओ वो बच गया, वही खड़ा है वो यार। ये सब यहाँ बैठ। और भाई ये टेंट में आग नहीं लगेगी क्या? टेंट में तो पूरे छेद हो जाएंगे यार। हाँ ये कैसा सेलिब्रेशन है यार, बड़ा खतरनाक सेलिब्रेशन है। हाँ यार, एक चीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बता रहा, सच में इतना खतरनाक सेलिब्रेशन होता है या कुछ स्पेसिफिक लोग ही करते हैं ये? मतलब मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक लोग ही करते होंगे, सब तो नहीं करते होंगे यार। मुझे ऐसा लगता है जो सिटी वगैरह में तो नहीं होता होगा, कोई गांव वगैरह में जो पुरानी रीति रिवाज चलती होंगी वहीं होता होगा। हाँ, और पुलिस नहीं रहती क्या? मतलब हाँ कोई यार, रूल लॉ नहीं है क्या जो पुलिस रोके उनको आके? बिल्कुल। ऐसा कुछ मतलब ये तो प्रोफेशनल्स के यूज़ करने की चीज़ है, ये ऐसे यूज़ करें जो है खिलौना है जैसे ना ऐसे। खिलौना है, तो वो समझ नहीं आया भाई ये कहाँ से इनको ट्रेनिंग मिली, कैसे यूज़ कर रहे हैं, और कोई हाँ डर यार, भी नहीं रहा है, सब मस्त मज़े ले रहे। चलो आगे देखते हैं वीडियो। ये कौन सी गन है भैया? ये भी मशीन गन लग रही ये है थोड़ी। मशीन गन टाइप ही है, साइड से गन पर उसने गोलियां पकड़ रखी है यार, देखो। ओ भाई सर लक्ष्य क्यों ना भाई, ये ये तो मशीन गन है ओरिजिनल मेरे ख्याल सब से। चेक कर रहे हैं अलग अलग करके। हाँ ये उस चला के चेक कर रहे हैं सब। रमजान वाले शो कुलर ही सर लक्ष्य खतरनाक यार भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग यार, ऐसी हवा में फायरिंग कर रहे, किसी को भी लग सकता है यार। डेंजर है यार ये चीज, डेंजरस है भाई। उसकी आवाज यहीं पर इतनी खतरनाक आ रही है, तो वहां पर वहाँ कैसी होगी? रियल में कैसी आ रही होगी आवाज, बहुत तेज आवाज आ रही होगी। वो उधर बच्चे भी खड़े होकर देख रहे हैं मस्त, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, मशीन गन है। हमने तो कभी जिंदगी में रियल आंखों से देखी ही नहीं है नहीं देखी फिजिकली। और उधर ओपनली सब मशीन गन चला रहे भाई। हाँ यार, सब एक एक करके चला कर देख रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं उसका। भाई इनके पास आती कहाँ से होगी यार, ये तो बहुत प्रोफेशनल्स के यूज करने की चीजें हैं। हाँ यार, सब एक एक करके चला के देख रहे हो ये सही है मैं चलाऊँ? लोग जैसे खिलौने होते हैं ना बच्चे, बोले अभी थोड़ी देर इसको ले लेने दो, थोड़ी देर इसको लेने दो हाँ वैसा ही कुछ कर रहा हूँ। वो पीछे खसक गया यार वो। अरे तो इतना बहुत पावर प्रेशर होता है उसका यार भाई रियल में किसी को पहली बार मैं चलाते हुए देख रहा हूँ ये मशीन गन। बहुत भारी होती है यार वो, बहुत हेवी होती है यार वो, स्टैंड पे रख के चलाने की होती है, वो हाथ में लेके ऐसे चला रहे यार ये तो। ये किसी वेडिंग रिसेप्शन का लग रहा है, वली में। हाँ वही तो। ओ भाई अबे इतने लोग हैं, कहीं किसी को लग गई, हाथ स्लिप हो गया, कहीं कुछ भी हो सकता है यार। बिल्कुल यार, कुछ भी हादसा हो सकता है। वो देख इधर देख कैसे चला रहा है उसको सामने ही। अरे साइड में खाने की टेबलें लगी हुई हैं और सब खाना भी खा रहे हैं, और ये बीच में यार गन चला रहे हैं भाई उनकी आदत होगी मुझे लगता है। देख लोग मस्त खाना खा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इधर गन चल रही है। हाँ यार उधर स्टॉल पिस्टल भी चल रही है तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ म्यूजिकल बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं इससे।
वैसे एक बात मुझे आप सब लोग कमेंट करके बताना कि वैसे मुझे लगता नहीं कि सभी पठान्स की शादी में इतनी खतरनाक गन फायरिंग होती होगी, बट अगर होती है तो क्या अलग से बुलाते हैं जो प्रोफेशनल जिनको आता है सब, उनको अलग से बुलाते हैं या फिर घर के लोग ही फायरिंग करते हैं? मैंने तो ये भी सुना बिल्कुल है कि भाई उनके हर घर में एक AK-47 होती है। और अब बाप रे, ये तो पक्का किसी विलेज का लग रहा है। विलेज में ही होता होगा मेरे ख्याल से ही। कैसे चला रहा है यार, ये कुछ समझ ही नहीं रहे भाई, ये तो खिलौना ही समझ रहे सच में। अरे ये तो कितना नीचे चला रहे, ऊपर भी नहीं चला रहे भाई। हाँ यार, लोगों को डर भी नहीं कुछ कि किसी को लग नहीं जाए यार। इतने सारे लोग चला रहे, एक एक करके चलाए तो चलो ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई जंग वगैरह हो रही है। ऐसे लग रहा है मुझे कि भाई कोई जंग चल रही है। हाँ भाई बड़ा खतरनाक, ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं देखा यार, पहली बार देख रहा हूँ। बाप रे, अबे एक हाथ से चला रहा है यार, उस कुछ भी हो सकता है यार, स्लिप हो हाथ से सकता है। छूट गई तो दो चार लोगों की जान चली अरे जाएगी। ऊपर मकान वगैरह भी बने हैं, टेरेस भी है, किसी को भी लग सकता है। इस तरह के सीन यूपी या हरियाणा में बहुत होते हैं, मतलब वहाँ बारात में भी ऐसे पिस्टल चलाते हैं या कट्टे जो मिलते हैं वहाँ पे। या जट लोग भी बहुत करते हैं ऐसा, मैंने तो भाई मूवीज में देखा है, अब रियल में भी करते हो या नहीं पता नहीं। ये तो रियल कर रहे हैं, पर ये किसी मूवी का सीन थोड़ी ना है। ये तो रियल कर रहे हैं और बहुत सारे कर रहे हैं यार। अरे बच्चों को तो देख, बिल्कुल ये बच्चे क्या बचपन से ही देखते हैं ना, तो इनको इसलिए डर नहीं लगता बिल्कुल है। सही होता है, देख देख कर ही सीख जाते हैं, इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। अबे ये तो नीचे ही चला रहा है, हाँ ये यार कहाँ ऊपर चला रहा से है? नीचे ही चला रहे हैं, नीचे लोग हाँ खड़े हुए हैं। हाँ वही तो। क्या यार, ऐसा सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता कहीं होता होगा। बाकी यार पुलिस वगैरह कुछ तो करती होगी। वो वीडियो देखा था ना, थिंग्स हाँ दैट ओनली हैपन्स इन पाकिस्तान, उसमें इसको भी शामिल करना चाहिए था। पिस्टल वगैरह का तो मैंने देखा था, पर ये तो भाई AK-47 अरे और हाँ यार, मशीन गन पता नहीं मशीन, क्या क्या चला बड़ी रहे हैं बड़ी तो। गने यार, हाँ वही तो, जो कि काफी एक्सपेंसिव गन्स होगी, वो बहुत महंगी आती कहाँ से होगी इनके पास? खरीदते होंगे यार ये, मेरे ख्याल से पश्तो लोग पैसे वाले ही खरीदते होते होंगे, होंगे सब। पर लाइसेंस कैसे मिल जाता होगा उसका? यार मुझे तो ऐसा लग रहा है बिना लाइसेंस के चला रहे हैं ये लोग। हाँ और पुलिस वुलिस कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, ये छोटी बच्ची को लेके भी खड़े हैं। और अब अरे बाप बाप रे, रे, कैसी चिंगारी निकल रही है भाई। और एक साथ यार 7-8 ये लोग मिलकर चला रहे हैं। वही इधर बैठ के आराम से हुक्का पी रहा है यार ये लोग। इधर वो कोई लेडीज भी बैठी लेडीज है, भी बैठी उधर यार। ये सब तमाशा दिखा रहे हैं मोहल्ले में सबको बिठा के। इस हिसाब से तो भाई पठान बड़े खतरनाक होते होंगे, कोई बहुत पंगा तगड़े, लेने का सोचता नहीं होगा पठानों से। नहीं सोचता होगा भाई। एक तो इतने ऊंचे पूरे होते हैं यार, ये तो शायद ये नीचे कोई, चला हाँ रहा है देखो, यार कोई ये इतने सारे लोग हैं यार यहाँ पे, किसी को लग भी नहीं रहा है। कैसे चला रहे हैं? लोग मना कर रहा है, बस कहीं कर रहा है अब। इधर कान बंद करके खड़े, देख बहुत तेज आवाज आती है। कमजोर कान वाले ये वीडियो ना देखे, कमजोर कान और कमजोर दिल वाले। दिल हाँ
डेंजर डेंजर। एक हाथ से देख तो, एक हाथ से वो जब जब चला रहे हैं ना वो नीचे प्रेशर आ रहा है, स्लिप हो सकती है यार वो। हाँ। मुझे तो ये डर है, किसी की जान जा सकती है, पर कोई डर भी तो नहीं रहा। जो डरेगा वो आते ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं आता वो। भाई बड़ा ही खतरनाक वीडियो था, मैंने बहुत खतरनाक गया। सोचा नहीं था ऐसा होगा इतनी खतरनाक सेलिब्रेशन यार। मतलब जैसे शादियों में फायर क्रिकेट्स वगैरह फोड़ते हैं ना बम पटाके, ये गन चलाते हाँ सही बात है यार। मेरे ख्याल से ये है ना जो वहाँ पर सिटी वगैरह एरियो में नहीं होता होगा, ये सब दूर दराज के जो गांव वगैरह होते होंगे ना, विलेज में होता होगा, वहीं होता होगा और ये वहीं की रीति रिवाज होंगे। जैसे अभी एक ड्रामा आया था संगे माँ, उसमें भी वो पश्तो लोगों के बारे में बताया, तो उसमें भी यार हर इंसान के पास गन रहती रहती है। हाँ उसमें पठान के बारे में बताया है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, तो पठानों के बारे में बताया है। समझ नहीं आता भाई मुझे इस बारे में जानना है। मैंने जो जो पूछा है ना आपसे, बिल्कुल सारे सवालों के जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। कि सब ट्रेनिंग लेते हैं क्या, सबका ट्रेनिंग लेना भी कंपलसरी है गन चलाने का, या फिर शादी वादी होती तो किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं कि भाई तुम गन्स चलाना। और ये लाइसेंस वगैरह की है कि भी नहीं, कि लाइसेंस वगैरह चला रहे हैं, कैसे लोग ले लेके घूम रहे हैं। वो मशीन गन तो अलग अलग लोग लेके ट्राई कर रहे थे। और इसमें क्या है, कोई हादसा भी हो सकता है यार, क्योंकि बहुत से वीडियो से सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए हमने देखे हैं कि यार कोई बारात वगैरह में फायरिंग कर रहा था और दूल्हे कोई लग गई। वो मिर्ज़ापुर में भी हुआ था ऐसा, मिर्ज़ापुर में वो फायरिंग करते मुन्ना भैया तो दूल्हे को ही लग जाती है, दूल्हे को ही लग गया, क्योंकि दूल्हा ऊपर घोड़े पे बैठा होता है। और ऐसा रियल में भी इंसिडेंट हुए हैं, ये तो ये वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, तो भाई किसी की जान जा सकती है ऐसे में तो। बिल्कुल यार, पर ठीक है क्या बोले आपका कल्चर है भाई, आप जानो। वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।